अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी हम सोए उठे हैं, 11 बज चुके हैं, नानो पास आए हुए हैं। आपको यहाँ का व्यू देखते दिखाते हैं पहले, और बाद में फ़्रेश होकर आपसे बातें करते हैं। तो पहले आपको व्यू दिखाते हैं। देखिए जनाब, ये हमारी नानो का गाँव, माशाल्लाह गंग नाम है इस गांव का नाम, ये जो फुरकाबाद के साथ ही पड़ता है। तो अभी हम पहले फ्रेश होते हैं, तो फिर बाद में आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों हम रेडी शेडी हो गए हैं, कपड़े शपड़े पहन लिए, खाना नाश्ता भी सारा कुछ कर लिया है। अच्छा हमको सिखा रहा है। अच्छा भाई किसान हमारे साथ हैं, टिंड छुपा रहे हो, टिंड लगा आंदे आज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। तेज हो रहा है, हैं बहुत तेज हो रहा साथ। राजधानी हां जी पढ़ाई हो रही है बिल्कुल। जनाब के फर्स्ट ईयर के पेपर है, हम तो आपको जो सरप्राइज मैंने देना वो ये है कि मेरे सेकंड ईयर के पेपर खत्म हो गए, अब मेरी पढ़ाई खत्म, अब मैंने बाहर जाके पढ़ना जो पढ़ना है। तो गाइस अभी हम आए हैं अपने नाना अबू की फसलों में, यहाँ पर ये पहलियाँ हैं हमारी, ये सारी ज़मीन ये देख सकते हैं जनाब, ये सारी हमारी ज़मीन है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। और यहाँ पर हम आए हैं कि ये देखने के लिए कि यहाँ पर हमने ना ये फसल बीजी थी, लेकिन वो अभी हुई नहीं है। किधर है, किधर है? तो अब नाना अबू कह रहे हैं कि जनाब इसका एक ही हल है कि इसे दोबारा पहली को वाह कर और दोबारा इसमें पट्टे लगाएंगे तो वो होंगे, यानी दोबारा पहली बीज के इन्हें पट्टे लावांगे, फिर इन्हें जाके तो होना है। हाँ जी यार, एक तो बंदा जे पहलियां च आ जाए तो उर्दू भी बड़ी मुँह चाड़ती है पहलियां दी। अच्छा तुसी दसो जनाब पट्ठे बीजना दी उर्दू कैवें होएगी? सानू इंदा जरूर जवाब दस्यो व्लॉग कमेंट दे विच, अगर जेडे बंदे दा जवाब सही होया अगली दफा मैं अगले व्लॉग दे विच उन्हूं मेंशन करांगा। हाँ जी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो बाइक हमारी सामने खड़ी है, अभी उसके ऊपर जाके हम बैठेंगे और नाने के पास जाएंगे और उन्हें बता के आएंगे सारे हाल हवाल और बताएंगे कि दोबारा पट्ठे बीजे जाएँ। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं नाना अबू के पास और उसके बाद हम जाएंगे हवेली, हवेली जाएंगे और ट्रैक्टर निकालेंगे, ट्रैक्टर के साथ आ गए पहली जो साड़ी ना इसका बंदोबस्त करेंगे, इसने ऐसे काम नहीं देना, इसे दोबारा फसल लगाएंगे तो इसने काम देना। 5 minutes later तो गाइस आप देखो जनाब ए जे पिंडा का माहौल, ओपन कार, ओपन हवेली है ये। तो हम अभी मैंने दिखाई आपको किसी और की, अभी जब हम अपनी हवेली में जाएंगे ना वहाँ जाकर आपको दिखाएंगे अपनी हवेली, डेरा बना हुआ भाई पूरी तरह। वो सामने हमारे नाना अबू लोग बैठे हैं, उनके पास जाते हैं, उनको लेते हैं और थोड़ा सा बीज लाना है और आके वो इसमें लगाएंगे। 75 years later तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा था कि इस हवेली के बाद मैं आपको अपनी हवेली दिखाऊंगा, तो चलते हैं हमारी हवेली और डेरा देखने के लिए। सबसे पहले ट्रैक्टर, फिर ट्राली, फिर ट्रैक्टर, देखें डेरा हमारा, मशीन खड़ी है, ये देखेंगे कुर्बानी के जानवर अंदर बंधे हुए हैं। ये कहाँ था? ये नहीं, ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले हमारा है। और सामने मेरे नाना वो बैठे हैं, आए हम उनसे पूछते हैं, अभी हम शेखपुरा से बीज लेके आए हैं, मेरी हालत देख लग तो रहा ही होगा, उनसे पूछते हैं हम कौन सा बीज लेके आए। वो बीज गिरा ले आंदा, बीज गिरा ले आंदा, ए का नाना हां बीज गिरा ले आंदा, जवार दा, जवार दा दसो गिरा ले आंदा, जवार दा किनु कहना, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता, दसो ते सही बनांदा पे कुछ ना का काम कर जाके। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अभी आपने सुना नाना अबू ने कहा जा जा का काम कर जा, क्यों नहीं इन चीजों के नहीं ना बताया। जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। लेकिन हम फिर भी अब मामू ने बता दिया, मामू ने बताया कि ज्वार का बीज लेके आए हैं,
ज्वार का बीज। तो दोस्त हम आपको बताएं, मैं साथ नाना बूट के पास साथ जब गया हूँ तो ये एक चीज भी लेके आया हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जनाब, जूता लेके आए हैं, कमाल है। मेरी कब से सोचती कि मैं ये लेके आऊँ, आज मैंने ले लिया। नाना वो हत्ती चढ़े थे, अरे चल भी नाने तेरी हार की, फिर नाने को ले लिया जूता। 5 minutes later दोस्तों, अभी मगरिब होगी, हम नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मैं और मेरा कज़न किशान। तो आज के लिए हमें अभी यहीं पर इजाज़त दें और बहुत सारा प्यार दें। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो दोस्तों, व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मत भूलिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।